love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे आप सब लोग, आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे कि आपके सामने है आप टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 फोर वाल्व। बेसिकली ये 2022 का फेसलिफ्ट वेरियंट है। 200 सीसी में आपको अवेलेबल करवाया गया है गाड़ी। जैसा कि मैं आपको साइड प्रोफाइल एक बार चेकआउट करवा दे रहा हूँ गाड़ी की, काफ़ी अच्छी कंडीशन में, काफ़ी बोल्ड एग्रेसिव आपको ये फ्रंट लुक से आपको देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले मैं एक इसका आप ओवरलुक दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करेंगे इस गाड़ी पर क्या क्या चीज़ें आपको अपग्रेडेशन के साथ इस गाड़ी में अवेलेबल करवाया गया है, क्या क्या चीज़ें नहीं आपको अवेलेबल करवाई गई है और क्या प्राइस रेंज में आपको ये गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं अगर फ्रंट के उससे मैं आपको बात करूँ तो आपको फ्रंट में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आई कैची लुक वाला आपको हेडलैम्प असेंबली मिल जाता है, जिसमें कि आप साइड्स में देख पा रहे होंगे ये एक ब्लैक मैट फिनिश में आपको ये अवेलेबल करवाया गया है। और उसके बाद जो हेडलैम्प असेंबली है उसमें डे टाइम रनिंग एलईडी के साथ आपको हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल करवाया गया है, विद एलईडी डीआरएल्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। साइड्स में आपको साइड इंडिकेटर हेलोजन में आपको अवेलेबल करवाया गया है। ये जो फ्रंट का ये सेक्शन आप देख पा रहे होंगे इसमें आप अपना नंबर प्लेट माउंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको प्लेसमेंट दिया गया है आपके नंबर प्लेट को माउंट करने के लिए। नीचे अगर मैं बात करूं तो मडगार्ड आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ग्लॉसरी ब्लैक फिनिश में आपको अवेलेबल करवाया गया है और यहां पर टीवीएस रेसिंग की बैचिंग करी हुई है। तो फ्रंट से एक बार फिर से मैं आपको चेकआउट करवा दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बोल्ड एंड एग्रेसिव ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल पा रही है। यहाँ पर आपको अपने तिरंगे का आपको बैजिंग यहाँ पर दिख पा रहा होगा। काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा कूल लुक में आपको ये स्पोर्टी लुक में प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ये स्पोर्ट्स बाइक है तो काफ़ी अग्रेसिवली इस गाड़ी को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं साइड्स की अगर मैं बात करूँ, फ्रंट के टायर की अगर मैं बात करूँ तो 90x90 R70s के आपको इसमें ट्यूबलेस टायर अवेलेबल करवाए गए हैं, जिसकी रोड प्रेजेंस और रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही साथ आपको 233mm का ड्यूअल चैनल ABS आपको इसमें प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें जिसकी कंपैटिबिलिटी, जिसकी आप बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करी गई है। साथ ही साथ इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के आगे ये जो आप मैट ब्लैक फिनिश में एक टच देख रहे हैं, डिज़ाइन देख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा आपको एग्रेसिव आपको ये लुक प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ इसमें जो फ्रंट की डिज़ाइन है वो काफ़ी आई कैची लुक इसमें दे रहा है। साइड्स की मैं अगर बात करूँ तो साइड्स में एक बार मैं आपको लुक चेकआउट करवा दे रहा हूँ। आपको बड़ा सा आरटीआर का आपको अल्फाबेटा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, अपाचे का आपको टीवीएस का यहाँ पर बैचिंग आपको देखने के लिए मिलती है। और साथ ही साथ फ्यूल टैंक पे आपको 3D ये लोगो ये दिया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको अवेलेबल करवाया गया है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 197 सीसी का आपको ऑयल कूल्ड इंजन आपको अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें कि आपको 19.75 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करवाया जाता है एट 8500 आरपीएम। और साथ ही साथ आपको 22.85 PS की आपको पावर इसमें प्रोवाइड करवाया जाए, जो कि पावर टू टॉर्क रेशियो इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं साइड्स की आपको बात करूँ तो एक चीज़ आपको बहुत ही अट्रैक्टिव दिख पा रहा होगा, इसमें स्मार्टएक्स कनेक्ट की बैजिंग दी गई हुई है। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि स्मार्टएक्स कनेक्ट बेसिकली है क्या, वो मैं जब सेंटर कंसोल की तरफ जाऊँगा तो उसके बारे में
मैं आपको बताऊंगा। सीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो 790 mm का है इसमें आपको सीट हाइट अवेलेबल करवाया है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें अवेलेबल करवाई गई है जो कि काफ़ी अच्छी है। रियर साइड के टायर साइज की अगर मैं बात करूँ तो 170/90 R17 के आपको टायर ट्यूबलेस टायर इसमें आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक आपको अवेलेबल करवाया गया है। रियर से मैं आपको इस गाड़ी को एक बार चेकआउट करवा दिया और दे रहा हूँ। रियर में अगर टेल लैंप्स की मैं बात करूँ, टेल लैंप आपको बेसिकली LED आपको अवेलेबल करवाया गया है विद हेलोजन साइड इंडिकेटर्स। आपको यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे पीछे आपको ये स्पेस दिया गया है, नंबर प्लेट के लिए स्पेस आपको प्रोवाइड करवाया गया है। स्प्लिट सीट आपको इसमें अवेलेबल करवाया गया है जिसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको ग्लॉसरी ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पर एक हैंडल बार आपको अवेलेबल करवाया गया जो कि पीछे के पैसेंजर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर इस जगह की बात करूँ तो इसको जब आप ओपन करोगे तो एक छोटा सा यहाँ पर स्पेस आपको प्रोवाइड करवाया गया जिसमें आप कोई भी सामान अपना रख सकते हो। अब बात करते हैं मेन और मेजर चेंजेस की इस गाड़ी में जो कि कंपनी के थ्रू आपको इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। सेंटर कंसोल की मैं बात करूंगा इन गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है सेंटर कंसोल के ऊपर बातचीत करना। सो सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूं तो फुल्ली आपको डिजिटल इसमें आपको सेंटर कंसोल आपको अवेलेबल करवाया गया है जिसमें आपको मल्टीपल आपको इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर गए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर आपको स्पीड आपको शो पा रहा है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको शो हो पा रही है। साथ ही साथ आपको RPM यहाँ पर शो पा रहा होगा, ट्रिप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और ये जो ब्लिंक कर रहा है ये बेसिकली स्मार्टेक्स कनेक्ट जो मैंने आपको बताया था वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि आप अपने इस डिवाइस को अपनी बाइक को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हो गाइस। आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको टाइमिंग शो हो पा रहा है, साथ ही साथ आपको फ्यूल एम्प्टी टू फ्यूल फुल का यहां पर आपको जो है वो इंडिकेशन आपको दिख पा रहा होगा। अब बात करते हैं आपको हैंडल बार में जो आपको ऑपरेट्स दिए हुए हैं आप कैसे क्या ऑपरेट कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर पासिंग लाइट का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हुआ है, स्मार्टेक्स कनेक्ट यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से बेसिकली ऑपरेट कर सकते हो सारी चीज़ों को। यहाँ पर साइड इंडिकेटर्स के आपको कंट्रोल दिए गए हैं, हॉर्न के स्विच दिए हुए हैं बेसिकली। राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करने वाली और आई कैची लुक प्रोवाइड करने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर मोड दिए हुए हैं। बेसिकली ये मोड क्या है, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो गाइज यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे कि आपको ये रेन मोड आ गया। फिर अगर मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर अर्बन मोड आ गया, और एक बार फिर से मैं आपको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्पोर्ट मोड आ गया। तो बेसिकली ये डिफरेंट मोड्स है जिसमें कि आप इसको ड्राइव कर सकते हो और अपने ड्राइव को इंजॉय कर सकते हो गाइस। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हेडलैम्प को ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है, इंजन किल का यहाँ पर आपको बटन दिया गया हुआ है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का, इग्निशन स्टार्ट का यहाँ पर आपको बेसिकली बटन दिया गया हुआ है। तो ये थी गाइस सेंटर कंसोल की इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो ये मोड दिए गए हैं यहाँ पर आप अपने हाई स्पीड लो स्पीड देख सकते हैं। बेसिकली ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रेस करने पर आपकी नेक्स्ट सर्विस डेट ड्यू डेट कौन सी है वो आपको यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो सेंटर कंसोल पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं गाइज, और सबसे अच्छी चीज़ और सबसे एडिशनल चीज़ जो इसमें अवेलेबल करवाया गया है वो है इसमें ब्लूटूथ कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली गाइज इसमें आप ब्लूटूथ अपना कनेक्ट कर सकते हो और इस गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको डेटा देनी हो आप अपने फ़ोन से इसमें कनेक्ट कर सकते हो। इंजन कैपेसिटी की मैंने आपको बात बता दी है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको जैसे कि मैंने बताया कि 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप इसको इसमें आपको अवेलेबल करवाई गई है। साइड्स में अगर मैं बात करूँ तो साइलेंसर की बात करूँगा आप, एग्जॉस्ट में काफ़ी बोल्ड लुक इस एग्जॉस्ट में प्रोवाइड करवाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पेस आपको ये एज अ कवर आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है। पीछे के रियर पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल आपको फुटरेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं, और इस गाड़ी में गाइस यहाँ पर कोई भी आपको किक अवेलेबल नहीं करवाया गया है। लेकिन इसमें एक प्रावधान है गाइस, एक चीज़ है कि आप इसमें एडिशनल किक आपको अगर इंस्टॉल करवाना हो तो वो आप इसमें इंस्टॉल होने की वो फैसिलिटी इसमें आपको प्रोवाइड करवाई गई है गाइस। तो जैसे कि आप इंजन देख सकते हैं, इंजन के प्लेसमेंट देख सकते हैं, और साथ ही साथ नीचे इंजन गार्ड देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड करवाई गई है। एक बार मैं साइड से आपको ब्रॉड एंगल से गाड़ी चेकआउट करवा दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छी आपको अवेलेबल करवाई गई है इसमें बेसिकली गाड़ी। फ्रंट से एक बार फिर से मैं आपको कोशिश करूँगा कि चेकआउट करवा देने के लिए इस गाड़ी को।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जब मैं इसको ऑफ करता हूँ और ऑन करता हूँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं DRL काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इस गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हुए हैं। तो गाइस थी इस गाड़ी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस क्या है और ऑन रोड प्राइस क्या है इस गाड़ी का इंदौर में, इंदौर के अंदर जो कि सतभैया TVS में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी अभी आपको, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल आपको आपके स्क्रीन पे शो हो पा रही है। एक शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको आपके स्क्रीन पे शो हो पा रही होगी, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट पर्सन का भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अभी आपके स्क्रीन पे भी शो हो पा रहा होगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और फर्दर इस गाड़ी के ऊपर अगर आपको डिटेलिंग करनी हो या टेस्ट ड्राइव लेना हो तो आप जाकर के बातचीत कर सकते हैं। सतभैया TVS कौन सी जगह पर है वहाँ का आपको एड्रेस भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा और जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको असिस्ट करने के लिए बेसिकली इमरान सर रहेंगे, उनका नंबर आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका नंबर मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो एक बार फिर से मैं आपको ब्रॉड एंगल से गाड़ी चेकआउट करवा दे रहा हूँ। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ गाइज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।